हेलो एवरीवन, आगे का वीडियो में मैंने नंबर्स का सिंगुलर और प्लुरल नंबर्स का रोल वन, रोल टू, रोल थ्री के बारे में बोला था। रोल वन में बोला थी बोले थे जैसे एस और यस का, रोल टू में बैठा थे ओ, ओ जब रहता है लास्ट में तो कैसे होते के, लास्ट में अगर ओ रहेगा अंत में तो उसका पहले अगर भायल रहेगा तो ओनली एस लगेगा प्लुरल में। अगर सिंगुलर नंबर में ओ लास्ट का ओ है तो उसका आगे कॉन्सोनेंट होने से क्या हो जाएगा, यस लग जाएगा। रोल थ्री में बताई थी वाई, कोई भी स्पेलिंग में कोई भी वर्ड में अगर वाई रहता है लास्ट में उसका आगे अगर वायल साउंड वायल है होता है ए आई ओ यू कोई भी तो उसके साथ जब प्लुरल फॉर्म हो जाएगा तो एस लग जाएगा। और वाई रहेगा तो वाई का जो पहले आगे का नंबर कॉन्सोनेंट रहेगा तो उसका जो प्लुरल फॉर्म बनाएंगे तब वाई उठ के आई एस हो जाएगा। अभी रोल नंबर फोर, जिन शब्दों के अंत में एफ या एफ ई रहते हैं वहाँ उठ के क्या हो जाता है, वी ई एस लगाना चाहिए। जैसे कि थीब्स, टी एच आई ई एफ, थीव थीब्स, ओल्फ ओल्फ्स, देखो एफ उठ के वी ई एस हो गया, कफ कब्स, नाइफ नाइब्स, वाइफ वाइब्स, ओल्फ ओल्फ्स। कभी कभी ओनली एस भी लगाता है जैसे कि प्रूफ प्रूफ्स, रूफ रूफ्स, चिफ चिप्स, एफ है लेकिन एफ नहीं उठाया, ड्रफ ड्रफ्स, एंकर चिफ एंकर चिप्स। आप लोग ये याद कर लीजिए। अभी रोल नंबर फाइव, वो तो हमारा हो गया। और फाइव में क्या है, कुछ शब्दों को स्पेलिंग बदल कर प्लुरल किया जाता है जैसे कि मैन, एम ए एन क्या हो जाएगा, मैन, एम ई एन मैन, ये सिंगुलर है और ये प्लुरल है, ये एक मैन है, ये बहुत सारा मैन है। टूथ, एक दांत को बोलता है टूथ और बहुत सारा होने से टीथ। ओमैन, एक ओ डब्ल्यू ओ एम ए एन, ओमैन एक ओमैन, डब्ल्यू ओ एम ई एन होने से बहुत सारा ओमैन। फूल, फुट फिट, सॉरी ये टी है, फुट एफ डब्ल ओ टी, फुट मतलब एक लेग और एफ डबल डबल ई टी फिट मतलब दो। गूस गीस, माउस माइस, एक माउस होने से एक बहुत सारा होने से माइस। ऑक्स ऑक्सन, चाइल्ड चिल्ड्रेन, पर्सन पीपल, एक होने से पर्सन बहुत सारा होने से पीपल पीपल। लाउस लाइस, एक होने से लाउस बहुत सारा होने से लाइस। इसके रोल नंबर सिक्स, कुछ शब्दों के सिंगुलर और प्लुरल एक ही होता है जिसका चेंज नहीं है। सिंगुलर में भी जो होता है प्लुरल में भी एस एस ये सब कुछ नहीं लगता है, जैसे कि शिप शिप, डियर डियर, सिंगुलर में भी शिप प्लुरल में भी शिप, डियर डियर, सिंगुलर भी डियर और प्लुरल भी डियर। स्वाइन स्वाइन, पुलिस पुलिस, सीरीज सीरीज, एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट स्पेसक्राफ्ट, पेयर पेयर, डजन डजन, हंड्रेड हंड्रेड, थाउजेंड थाउजेंड। तो इसमें प्लुरल नहीं, कोई भी कोई भी कभी होता है वन हंड्रेड टू हंड्रेड ही होगा, थ्री हंड्रेड ही होगा, एस हंड्रेड नहीं होगा, थाउजेंड का भी सेम है। कोई कोई मैंने देखा है लिखते हैं वन थाउजेंड तो टू थाउजेंड्स हो जाता है, एस लग जाता है, लेकिन ये प्लुरल फॉर्म में सेम ही रहता है, ये चेंज नहीं होता है। ये सब आप याद कर लीजिए आप लोग। सिर्फ काउंटेबल नाउन का प्लुरल होता है, जो काउंटेबल काउंट कर सकता है उसका भी प्लुरल फॉर्म होता है, अनकाउंटेबल का कोई प्लुरल नहीं होता है। कुछ कुछ मटेरियल्स जैसे कि एब्स्ट्रैक्टल, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल्स का प्लुरल नहीं होता है, जैसे कि कुछ कुछ मटेरियल्स प्लुरल होता है लेकिन उसका मीनिंग अलग हो जाता है, जैसे कि सैंड मतलब बालू और सैंड्स मतलब रेगिस्तान, वाटर पानी, वाटर्स समुद्र, गुड अच्छा, गुड्स वस्तु, अच्छा बहुत अच्छा ऐसा नहीं है, ये गुड जो है ये अच्छा है, और जो गुड्स एस लगा जाता है तो इसका मीनिंग ही चेंज होता है, वस्तु है जो माल होता है, जो ट्रेन में माल लिया गया है वो सब क्या है, गुड्स, कोई भी बहुत सारा माल होने से गुड्स वस्तु जो होता है। वाटर का पानी को वाटर बोलते हैं, वाटर्स बहुत सारा पानी ऐसा नहीं बोलता है, वाटर्स मीन्स क्या हो जाता है, समुद्र, जो सागर होता है समुद्र होता है वही है। सैंड का मतलब बालू होता है और बालू सैंड सैंड्स बहुत सारा बालू ऐसा नहीं है, सैंड मतलब बालू और सैंड्स रेगिस्तान, रेगिस्तान तो आप लोगों को पता ही है।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।